शुरू। मित्रों, जैसा हमको मालूम है कि कल 1 तारीख को अपना जो केंद्रीय बजट है वो पेश किया गया है, और उसके साथ ही आज हमारी कैबिनेट मीटिंग भी हुई है। स्वाभाविक है कि ये जो महीना रहता है इसमें 1 फरवरी को जैसे केंद्र का बजट आता है, उसके बाद प्रदेश भी अपना बजट पेश करते हैं। उस नाते से हमने अपना जो बजट सेशन है उसको भी आहूत किया है। निर्णय लिया गया है कि 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सेशन हम लोग शुरू करें, और फिर उसके हिसाब से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको तय करेगी कि कितने दिन तक वो बजट का सेशन चलेगा। पिछली बार परंपरा हमने शुरू की थी कि 2 भागों में बजट सेशन होगा, इस बार भी हमारा प्रपोजल यही रहेगा स्पीकर साहब को कि 2 भागों में रहे। एक हिस्से में प्रारंभिक गवर्नर एड्रेस बजट को पेश करना, और दूसरे हिस्से में उस बजट के ऊपर चर्चा और बजट को पास करना। केंद्र का जो बजट है उसमें वैसे तो कल से आप लोगों ने भी एकत्र की होंगी सारी बातें, जो हाईलाइट्स है उसके सब आपको पता लगे भी होंगे, फिर भी जो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है इस बात का कि ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रख करके पेश किया गया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, एल्डरमैन हो, और जब तक जहां तक छूट की बात है मध्य वर्ग के लोगों को इसमें काफी छूट दी गई है, व्यापारियों के लिए भी इसमें राहत है, किसानों के लिए भी इसमें विशेष तौर पर कई योजनाएं दी गई हैं जिसका मैं आपके सामने कुछ वर्णन करूंगा। एक प्रकार से आम आदमी का ये बजट है, और इस बजट से निश्चित रूप से हमारा जो अमृतकाल जो पहला वर्ष इसका है, तो इस अमृतकाल के पहले बजट से बहुत बड़े परिवर्तन ये सब आएंगे, और आगे दीर्घकालीन एक दिशा भी इस बजट में ये दी गई है। बजट के लिए अगर कुछ विशेष जो चर्चा है वो आपको अगर सामने रखना चाहूँ तो जिसे आर्थिक वृद्धि दर जो केंद्रीय बजट में 7% दर्शाई गई है, विश्वव्यापी बाकी देशों को अगर देखें तो उनकी वृद्धि दर बहुत कम चल रही है, किसी की 2%, किसी की 3%, 2.5%, 7% जो इसमें एक इंक्रीज दिखाया गया है, तो ये एक बहुत अच्छा द्योतक है हमारे प्रदेश हमारे देश का कि हम इस लेवल पर जाएंगे। जहाँ तक हरियाणा का विषय है, हमारा इस पिछला जो वर्ष चल रहा है इसमें ये दर लगभग 8% की चल रही है, यानी केंद्रीय वृद्धि दर से भी हमारी वृद्धि दर ज़्यादा चल रही है, तो हरियाणा भी उसमें एक अच्छे एक पायदान पर ये खड़ा है। जहाँ तक घरेलू उत्पाद के जो वित्तीय घाटे की सीमा है घरेलू उत्पाद को ध्यान में रखते हुए, ये जैसे केंद्र सरकार ने इम्प्रूव करने के लिए अपना एक मनसूबा ये बताया है कि 24-25 तक जो आज 6.4% की जो वित्तीय घाटा है वो 24-25 तक 4.5% तक हम लेकर के आएंगे, ऐसा केंद्रीय हमारी वित्त मंत्री ने एक प्रकार का आगे का टारगेट रखा है, जो अभी 6.4% है और अगले साल 23-24 में 5.9 होगा और 24-25 में 4.5 तक लाएंगे। जहाँ तक प्रदेशों का विषय है, प्रदेशों में 3.5% ये अलाव किया गया है, लेकिन 0.5% पावर रिफॉर्म्स के कुछ विषय है उसके साथ वो उसको क्लब किया है। तो पावर रिफॉर्म जिस प्रकार के हैं शायद हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो बाकी प्रदेशों में भी कहीं लागू हुआ ऐसा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद भी 3% जो है वो अलाउड है। हमने 3 से नीचे ही अपना ये जो वित्तीय घाटा ये रखा हुआ है, पिछले वर्ष का 2.9 यानी 21-22 का था, 2.9 था 22 से इसका, अब ये समाप्त होगा वर्ष तो उसमें लगभग 3% तक ही हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे ऐसा लगता है, और एक अच्छी हरियाणा की स्थिति इस नाते से भी है। हमारे पड़ोस के जो प्रदेश हैं वो इसमें काफ़ी वित्तीय संकट की स्थिति में आए हुए हैं, लेकिन हमने उससे कुछ लेना नहीं है, हमने तो अपनी प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहनी चाहिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया है, उसमें अब किसी को भी
जो अन्न लेना है बीपीएल परिवार हो, अंत्योदय उत्थान अंत्योदय परिवार अंत्योदय योजना के अंतर्गत हो, अन्य योजना के अंतर्गत हो, किसी को भी उसका पैसा नहीं देना अन्न का, जो एक रुपया दो रुपया लिया जाता था वो भी नहीं होगा, फ्री होगा। हमारे लगभग 29 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे अगले वर्ष के लिए। केंद्रीय बजट में जैसा प्रति व्यक्ति आय की बात आई थी, तो पिछले 8 वर्ष में यानी 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय थी उससे अब केंद्रीय बजट के अनुसार डबल होकर के 1.9 लाख पर व्यक्ति, वास्तव में ये जीडीपी का जो शेयर है ये वो होता है, तो उस नाते से आंका गया है। हरियाणा इसमें अपना योगदान 2.75 लाख 2,75,000 रुपये प्रति व्यक्ति, ये हमारा 22-23 का ये अनुमान हमारा रहने का है, अर्थात हम जो है केंद्र से भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, यानी पूरे देश भर से, केंद्र से क्या, पूरे देश भर की जो एवरेज है वो 1.97 है, हरियाणा की अपनी 2.75 लाख पर कैपिटा इनकम उसको आ सकते हैं। कृषि क्षेत्र में डिजिटल भुगतान की बात की गई है, इसको केंद्र और जरा इसको एनहांस करेगा, और इस डिजिटल भुगतान में हम हरियाणा में यानी अकेले किसानों के खातों में 63,000 रुपये हमने डाला है पिछले 2 वर्ष में, और इस अभियान में हम पहले से ही बहुत आगे हैं। 63,000 करोड़ पिछले दो सालों में यानी 4 सीजन का जो पेमेंट है वो हमारा 63,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में गया है। किसान लगभग 10 लाख के आसपास किसान परिवार होंगे जिनको ये सब गया है। एक विषय आया है कि जो सारे देश भर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये योजना चलाई गई थी, हम उसमें और आगे बढ़ करके वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट ऐसा योजना बनाई है, जो इस अगले साल में उसको हम जरूर क्रियान्वित करने में सफल होंगे। इसके लिए बाजार खड़े करना और उस बाजार में उन उत्पादों की बिक्री ठीक से हो जाए, यूनिटी मॉल इसके खोलने की बात केंद्र सरकार ने कही है, हम भी निश्चित रूप से उस यूनिटी मॉल का लाभ उठाने के लिए जो हमारे शेयर में आएगा उसका जरूर हम लाभ उठाएंगे, ताकि कुछ स्थानों पर जो बड़े स्थान हैं वहाँ यूनिटी मॉल्स ये बन सकें, ताकि उनकी बिक्री आसपास के जो भी ब्लॉक्स होंगे उनके उत्पाद की बिक्री वहाँ हो सके। एक विषय केंद्र सरकार में गोवर्धन स्कीम, पुरानी स्कीम है लेकिन इसको बढ़ाने के लिए 500 नए संयंत्र, जो वेस्ट टू वेल्थ कह सकते हैं, वेस्ट टू एनर्जी कह सकते हैं, ये जो स्थापित होंगे इसमें पहले से हरियाणा में 7 प्लांट्स के ऊपर काम चालू है, 3 नए प्लांट्स भी हमने अपनी जो योजना बना रखी है उसके अंदर हम स्थापित करेंगे, और इस 500 में मुझे लगता है कि हरियाणा में 10 से ज़्यादा भी अगर हमको कुछ आवंटन हुआ तो उसको भी हम पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। केंद्र ने 500 नए ऐसे संयंत्र बनाने की बात कही है। जहाँ तक कृषि व्यवस्था को और मजबूत करने का विषय है, तो 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए संसाधन ये भी दिए जाएंगे, और उसमें मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्र को भी बढ़ावा ये दिया जाएगा। वेटलैंड्स को महत्व बढ़ाया गया है पिछले वर्षों में, पहले बहुत कम वेटलैंड्स होती थी, जहाँ जो ये हमारे पूरे दुनिया भर के जो पशु और वन्य जीव यानी जीव अभयारण्य इस नाते से जो प्रवासी पक्षी आते थे, तो ऐसी जो झीलें थी, अब पिछले साल 75 का जो टारगेट रखा गया था, 75 ऐसे रामसर साइट्स ये अब तय की गई हैं, जिसके अंदर 2 साइट्स हरियाणा की पहले से हैं, गुरुग्राम में सुल्तानपुर और झज्जर में भिंडावास, ये 2 साइट्स पहले से हैं। गुरुग्राम की ही दमदमा झील, इसको भी चिन्हित हमने किया है, उसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे कि वो भी रामसर साइट के अंदर आ सके, ऐसा हमारा प्रयत्न है, क्योंकि वहाँ भी बहुत प्रवासी पक्षी ये आते हैं। महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र योजना ये शुरू की गई है, इसमें अब महिलाओं को पहले 1 लाख रुपए की बचत पर ये लाभ मिलता था, अब 2 लाख रुपए की बचत के ऊपर लाभ मिलेगा, जिसका इंटरेस्ट 7.5% ये महिलाओं को मिलेगा। और इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों की जो बचत खाता स्कीम है उसमें वो राशि भी 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख रुपए की गई है, जिसका इंटरेस्ट 8% होगा, तो ये भी वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत इसमें दी गई है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड न्यास आयोग ऐसे हैं जिसको उनका अगर कोई इनकम होती है,
तो पहले जिनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता था उसमें अब राहत दी गई है। उसमें हमारा जो HSPP है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उसके अंदर हालांकि पहले तो घाटे में ही था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अपनी स्थिति उन्होंने सुधारी है और अब वो प्रॉफिट में आने की स्थिति बनी है। अगर उस प्रॉफिट में से पहले टैक्स देने की बात थी, लेकिन ऐसे सब संगठनों को इनकम टैक्स की छूट दी गई है। अच्छा है कि जो पैसा HSPP का उसमें से बचेगा उसको हम विकास के कामों में अपने प्रदेश में ला सकेंगे और इनडायरेक्टली वो प्रदेश के बजट को ही एक लाभ मिलेगा उसका, वो पैसा भी हमें बचेगा। अभी HSPP है उसमें। मेडिकल कॉलेजेस के साथ नए नर्सिंग कॉलेजेस 157 केंद्र ने किए हैं, सैंक्शन किए हैं, और जो नए सरकारी मेडिकल कॉलेज 2014 के बाद बने हैं या बन रहे हैं, ऐसे हमारे 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं। उन 157 में 6 का हमें लगता है कि उसमें हमें ये राहत मिलेगी कि उनके साथ एक एक नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए सरकार पैसा देगी, जिसमें यमुनानगर है, कैथल है, जींद है, भिवानी है, नारनौल है, करनाल है। करनाल का तो चल ही रहा है मेडिकल कॉलेज, बाकी जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो सारे इसमें मुझे लगता है कि उसके अंदर सब साथ आएंगे। एक बात और जो कही है कि ज्वाइंट पब्लिक प्राइवेट मेडिकल रिसर्च, इस पर फोकस किया गया है, क्योंकि अभी तक प्राइवेट वाले अपना करते हैं और सरकारी अपने होते हैं, लेकिन एक ज्वाइंट ऐसा रिसर्च का सिस्टम बने उस पर भी केंद्र सरकार ने जोर दिया और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये विषय ऐसा है, सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर प्राइवेट क्षेत्र को भी अगर साथ जोड़ेंगे तो बहुत स्पीड बनेगी उस रिसर्च के काम में, और आज हेल्थ के नाते से, मेडिकल साइंसेज के नाते से ये बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो इस बार नई योजना बनाई गई उसमें 66% का बजट ये बढ़ाया प्रधानमंत्री जी ने, जो कुल मिलाकर पहले 41,000 करोड़ रुपया था, 79,000 करोड़ रुपया, 79,000 करोड़ ये उसके लिए आवंटन किया गया है, जिसका निश्चित रूप से हरियाणा में भी हमको लाभ मिलेगा। और हमने तो हरियाणा में जो 1,80,000 रुपये तक के जितने परिवार हैं BPL परिवार, उनका सर्वे शुरू कर दिया है, जिनके अपने मकान नहीं है, ऐसे लोगों को इस सहायता में हम भागीदारी उनकी करा सकें, ये हमने पहले से योजना बनाई है। अभी पिछले सालों तक हमने जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में से लिए हैं, 34,000 से अधिक मकान तो बन गए हैं, 23,000 मकान अभी निर्माणाधीन है। वैसे ये 57,000 मकानों का पहले से हमें पिछली योजना में लाभ मिला था। अब आगे सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में जितने भी ऐसे परिवार पाए जाएंगे उन सबको हम केंद्र सरकार से योजना मंजूर कराएंगे, ताकि इसका लाभ 79,000 करोड़ रुपये से हमको मिल सके। 50 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम, इसकी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो योजना बताई गई है, इसमें निश्चित रूप से हिसार का हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें भी हमको लाभ होगा। फरीदाबाद में एक एयर हेलीपोर्ट, एक हेलीपोर्ट 20 एकड़ ज़मीन पर हमने पहले ही प्रस्तावित किया है, ताकि वहाँ, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर्स को उतरने में काफ़ी समय भी लगता है, उनको परमिशन नहीं मिलती है, उनकी प्रोसेस लंबी होती है, तो पास में ही गुरुग्राम में यदि किया जाएगा तो उस 20 एकड़ पर हेलीपोर्ट जैसा बना करके और सुविधा ऐसे हवाई यात्रा गुड़गांव में 20 एकड़ का हम गुड़गांव में स्थापित कर रहे हैं, उसका इसके अंदर हमें लाभ मिलेगा जो योजना बनाई गई है हेलीपोर्ट्स की। फरीदाबाद नहीं, गुड़गांव, फरीदाबाद नहीं है, बोला तो गलती से, नहीं नहीं फरीदाबाद में, फरीदाबाद नहीं, गुड़गांव में। ऐसे ही एक बहुत अच्छा बजट लगभग 3,600 करोड़ रुपए का जो RRTS के लिए, इस योजना के लिए मंजूर किया गया है। RRTS की हमको मालूम है कि रैपिड रेल ये जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये दिल्ली सराय काले खां से 3 जो आर्म्स हैं, 3 दिशा में और ये चलेगी। उसके अंदर एक दिल्ली मेरठ है, एक दिल्ली करनाल है और एक दिल्ली रेवाड़ी से शायद अलवर है, शाहजहाँ, तो एक वो दिशा में है। उसमें बड़ा हिस्सा हरियाणा में से होकर निकलेगा, तो उसका भी लाभ हमको पूरा निश्चित रूप से होने वाला है। और हरियाणा का एक कुल मिलाकर के इस सारे पोर्शन में समझता हूँ कि 60% तो हरियाणा में ही उस सारी तीनों उस योजनाओं का जरूर होगा। और ये योजना जब पूरी जब हो जाएगी तो कनेक्टिविटी के नाते से पूरा दिल्ली NCR, इसके जो शहर हैं या जो आसपास क्षेत्र है, दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी, एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी ये होगी।
हमने जब प्री बजट मीटिंग की थी तो उसमें कुछ सुझाव दिए थे, उसमें से दो सुझाव जो है हमारे वो जो मान लिए गए हैं। एक तो जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF, ये पहले से बना है, इसी तर्ज पर UIDF बनाया जाए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है ये बनाया जाए, तो इस बार वो मान लिया गया है कि उसको भी सस्ते ब्याज के ऊपर और इस फंड में भी कुछ पैसा शहरों के लिए दिया जाएगा ऐसा। और खास करके जो मध्यम दर्जे के और छोटे शहर हैं वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे, ये इसके लिए विशेष तौर पर और इसकी घोषणा की गई है। एक दूसरा सुझाव हमने जो पिछली बार दिया था मान लिया गया था, इस बार भी सुझाव दिया वो भी मान लिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से कुछ राशि बिना ब्याज के एक दीर्घकालीन राशि वो मिलनी चाहिए। तो पिछली बार भी 1,00,000 करोड़ रुपया हमने सुझाव रखा था, माना गया था, इसका और बढ़ाया जाए तो एक साल के लिए इसको और भी बढ़ा दिया गया है, तो 1,30,000 करोड़ रुपया, पिछली बार 1,00,000 करोड़ था, इस बार 1,30,000 करोड़ रुपया इसके लिए राशि आवंटित की गई है। और पिछली बार हमें हिस्सा मिला था 874 करोड़ रुपया, और मुझे लगता है क्योंकि इस बार 30% ज़्यादा है तो स्वाभाविक है 1,100 करोड़ रुपये के आसपास हम अपेक्षा करते हैं कि हमको ये राशि जरूर मिलेगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं के लिए नहीं। जॉब्स इस नाते से कैसे बढ़े इसकी भी योजना केंद्र ने काफी बनाई है, और एक अच्छा पहलू ये है कि बेरोजगारी की जो दर है जैसे बताई गई है अर्बन की, उसमें विशेष तौर पर बताई है, ग्रामीण का आंकड़ा तो इसमें नहीं दिया गया, जो जून 20 में 21% जो बेरोजगारी की दर शहरों की थी, स्वाभाविक है कोविड के समय वो एक बढ़ी थी, एक जंप आया था बेरोजगारी में, लेकिन अब वो 7.2% अभी जो आकी गई है, तो बेरोजगारी काफ़ी कम हुई है। और भी कैसे बेरोजगारी समाप्त हो, रोजगार कैसे ज़्यादा बढ़े, इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो बजट में योजनाएं की गई हैं। खास करके इसमें जो इम्पोर्ट जिन चीज़ों का होता है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसका हो, ताकि हमारा इम्पोर्ट कम हो सके, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कैसे बचे। वैसे फॉरेन एक्सचेंज में भी काफ़ी सुधार आया है, आज की डेट में 9 महीने का जो इम्पोर्ट है उसके बराबर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है। ये हर महीने में कितना इम्पोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, फॉरेन एक्सचेंज कितना हमारा बढ़ा, उसके आंकड़े हर महीने लगाए जाते हैं, और उसका पैमाना यही होता है कि भाई कितने महीने तक हमारा जो रेगुलर इम्पोर्ट होगा उसका फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है। तो अभी 9 महीने की दर चल रही है, और 9 महीने बाकी बहुत से देशों का जो इम्पोर्ट का ऐसा कैलकुलेशन होता है जिसमें हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उससे हम काफ़ी अच्छे बेहतर स्थिति में हैं। और आगे कैसे हमारा इम्पोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट बढ़े, उससे फॉरेन एक्सचेंज और भी बढ़ेगा। कैपिटल एक्सपेंस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो 16-17 में 2,50,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंसेस था, और 22-23 जो पिछला वर्ष अब जा रहा है उसमें 7.3% सेंटर का बता रहा हूँ ये, और 23-24 का जो बजट है उसमें 10,00,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंस हो, इस प्रकार की योजना बनाई गई है। अपने आप में एक बहुत अच्छे दिशा में दिया गया बजट है कि ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंस हो। रेवेन्यू एक्सपेंस तो नॉर्मल खर्चे होते हैं जितने, वो तो चलना ही है, उसमें कहीं कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी तुलना में जो हमारा बजट का कलेक्शन रिसीट्स हैं उसमें कैपिटल एक्सपेंस को बढ़ा सकें, ताकि ये रेशो थोड़ी सी ठीक हो सके। हरियाणा की भी हमारा कैपिटल एक्सपेंस की जो टोटल है शायद 34% हमारा इस समय चल रहा है, कैसे इसको बढ़ाया जाए, लगातार इसके ऊपर सब सरकारों का प्रयत्न रहता है। NPS भी बहुत कम हो रहे हैं, ये भी अच्छी दिशा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत हो रही है। उसमें ये जरूर कहा जा सकता है कि जो अब लोन दिए जाते हैं, जो एडवांस किए जाते हैं, बहुत सोच समझ के किए जाते हैं, जो बिना सोचे समझे एडवांस जो है वो सिफारिशों पर चलते थे उसको बहुत रोका गया है, शेल कंपनीज को बंद किया गया है, और NPS जो कभी मार्च 20 में 8.2% थे, सितंबर 22 में अब जो है 5% तक आ गए हैं। तो एक बहुत अच्छा ये पहलू है कि बैंक्स की स्थिति जो है इम्प्रूव हो रही है। GST की कलेक्शन एवरेज 1,50,000 करोड़ रुपया चल रही है, हालांकि एक महीने के बीच में 1,66,000 करोड़ रुपये भी हो गई थी, लेकिन एवरेज 1,50,000 करोड़ रुपया चल रही है, और इसमें हरियाणा का भी एक अच्छा योगदान है। हरियाणा की जितनी GST कलेक्शन है
वो नॉर्मल जो 14% है उससे भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि माना जाता है कि जिस प्रदेश का 14% इंक्रीज हो वो एक अच्छा प्रदेश माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है, लेकिन हमारी 14 से अच्छी है प्रगति उसकी इंक्रीज की। हमारी अब 14 से मतलब 25 पहुंच गई है, तो 25% हमारी ग्रोथ जो है एनुअल ग्रोथ पिछले साल से एक साल का है अभी, उससे पहले तो हम कमी थे, लेकिन पिछले एक साल में हमारी ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। अब चूंकि हमें जो इसकी रीइंबर्समेंट मिलती थी 14% से कम जिन प्रदेशों का होता था उनको सेंटर जो है उसको कंपनसेट करता था, अब वो कंपनसेशन भी 5 साल के बाद खत्म हो गई है, 17 में शुरू किया था, 22 में खत्म हो गया। लेकिन खत्म होने के बाद भी हमें इसलिए नुकसान नहीं है कि हमारा जो ग्रोथ है वो पर्याप्त है, इसलिए हमें उसकी कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। इनकम टैक्स के बारे में तो हमको सबको पता ही है कि कैसे उसके स्लैब बढ़ाए गए हैं, बदले गए हैं, यानी 6 स्लैब पहले होते थे उसके 5 स्लैब कर दिए, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख, और 15 से ऊपर सारा एक ही है। तो उसके भी अलग अलग स्लैब में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से वो किया गया है, और इसमें भी दो प्रणालियां जो शुरू की गई हैं, एक प्रणाली जो पहले थी जिसके अंदर डिडक्शन ATC की है या और प्रकार की डिडक्शन है, लगभग 1.5 लाख रुपए की आसपास की होती, तो एक सिस्टम वो है, एक नया सिस्टम ये है कि जिसके अंदर वो कम कर दिया, यानी समाप्त कर दिया डिडक्शन, रेट जो है वो कम कर दिए गए हैं। उसका विस्तार से तो सारा डाटा हमको मिल जाएगा, लेकिन दोनों में छूट दी गई है कि आप कौन सी प्रणाली को चुनना चाहते हैं वो कैलकुलेशन करके जिसको जो लाभ मिलेगा उस हिसाब से वो उसको चुन सकेगा। लीव एनकैशमेंट जैसे हमको मालूम है कि पहले प्राइवेट का ही है, ये प्राइवेट क्षेत्र में 3 लाख रुपए तक की लीव एनकैशमेंट उसकी डिडक्शन होती थी, अब वो 3 के बजाय 25 लाख रुपए लिमिट कर दी है कि अगर आपकी लीव एनकैशमेंट 25 लाख रुपए भी अगर राशि मिलती आपको तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे ये कुछ इस प्रकार का विषय बढ़ाया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने पहले बताया ये कि हमने पहले से इसको काफ़ी शुरू किया है, और खास करके जैसे हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये डिजिटल एक सिस्टम, ये केंद्र सरकार से भी पहले कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पहले से शुरू कर रखी हैं। अंत्योदय की बहुत सी योजनाएं जैसे हमने परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ के की हैं, तो वो सारे देश भर में धीरे धीरे लागू हो रही हैं। अंत्योगत्वा अब वंचितों को वरीता, ये एक थीम है सरकार का कि जो वंचित है, जो डिजर्व करता है, उसको कैसे प्राथमिकता दी जाए, तो वंचितों को वरीयता दी जाए, ये एक स्लोगन ये जरूर दिया गया है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना ये शुरू की गई है, और इस बार तो यह आया है कि गेहूं और चावल के साथ साथ मिलेट्स का भी PDS की दुकानों के माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूशन करने को बढ़ावा दें। वो अपनी योजना बनाएंगे, कैसे बननी को स्टेट के ऊपर ही है, लेकिन इसके इस पर भी केंद्र सरकार को जो बढ़ावा देने के लिए और सहायता करने के लिए वो तैयार है। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो क्रेडिट एग्रीकल्चर का है, तो उसको बढ़ा करके भी 20 लाख करोड़ रुपया ये कर दी गई है। भंडारण की क्षमता भी बढ़ाई गई है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो हर साल लगातार बढ़ रहा है, तो भंडारण के कारण से जो लॉस होता, नुकसान होता है, वो उसमें ना हो, इसके लिए भी बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। स्क्रैप की जो एक रखा गया कि स्क्रैप के कारण से व्हीकल्स का जो स्क्रैप होगा उनको पुराने व्हीकल को हटाने के लिए, और इसमें भी एक सब्सिडी की घोषणा की गई है, वो सब्सिडी कितनी होगी, लेकिन हमको बहुत लाभ होगा क्योंकि NCR एरिया में 10 साल और 15 साल के जो वाहन हैं पेट्रोल डीजल के, उनको हटाने की बात कही गई है, तो अल्टीमेटली स्क्रैप उसको जो करना है उसकी सब्सिडी उनको पर्याप्त मिलेगी, तो जल्दी लोग उसको हटा लेंगे, इस पर भी एक घोषणा की गई है। कितनी होगी हमारे वाहन हरियाणा में? ऐसा तो अभी एकदम आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमने एक गुरुग्राम में 5000 ऑटोज की एक योजना पहले बनाई है कि हम 5000 ऑटोज को पहले फर्स्ट फेज में रिप्लेस कर दें, ताकि ई व्हीकल्स या फिर CNG वाले भी है ना उसमें, CNG
कमर्शियल और सरकारी व्हीकल जो है अभी कमर्शियल को सरकारी तो हमने शुरू कर दिए हैं, बदलने की बजाय हमने नए व्हीकल जैसे बसें हैं, हमने अभी जो नई बसें रोडवेज ले रहे हैं वो ईवी ले रहे हैं, ई व्हीकल ही ले रहे हैं, शायद 200-250 कुछ ऐसे भी आ रही हैं, हाँ 200 कुछ हैं तो वो सब आ रही हैं अभी, और उसके बाद आगे जो यानी हम परचेज करेंगे वो ई व्हीकल्स और दोनों मिला करके, और ई व्हीकल्स का जैसे जैसे अनुभव आता जाएगा वैसे वैसे हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। आधार कार्ड का भी एक बताया कि जैसे ठीक करने के लिए उनके पते और कि व्यक्तियों की पहचान या अन्य जो उसमें करना है कोई परिवर्तन करना है किसी ने आधार कार्ड में, तो उसके लिए वन स्टॉप समाधान ये एक योजना बनाई गई है, क्योंकि आधार में भी कई तरह की गलतियां ऐसी धार में आई हैं। परिवार पहचान पत्र के नाते से तो हमने शुरू कर दिया है, काफ़ी उसको ठीक कर भी लिया हमने, और 31 जनवरी तक का समय दिया था, मुझे लगता है कि लगभग 90% हमारी वो सब ठीक हो गया, फिर भी कुछ कमियां तो रेगुलर EDC ऑफिस में उसकी व्यवस्था बनाई गई उसको ठीक करने के लिए। मुझे लगता है 90% के लगभग ठीक हो गए हैं, उसमें कोई उसमें कठिनाई नहीं है, फिर भी जिनके ठीक नहीं हुए थे और खास करके राशन कार्ड उन्होंने बहाल कर दिए उनके, मतलब वो कमियां नहीं उसमें स्वाभाविक है, इतने सारे अगर 72 लाख परिवारों का परिवार पहचान पत्र बना है और ह्यूमन एक इंटरफेस के कारण से व्यक्तियों की तो आखिर काम है, सारे गलतियां कई हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन जिन्होंने ठीक करानी है उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है और 90% उसमें से ठीक हो गई। तो अभी कोई ग्रुप पे सर्वे की बात की आपने कल परसों, ऐसा है कि हमने सारे डाटा को 5 विभागों में बांट दिया है, 0 से 6 ईयर्स WCD, 6 से 18 तक स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से लेके 60 तक ये यूथ और जो एम्पावरमेंट, हमने नया जो प्लान बनाया यूथ एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट उनको दे दिया, 60 से ऊपर सोशल जस्टिस, और उनको जो डाटा दिया है अब वो अपने अपने विभाग से डोर टू डोर सर्वे करा करके, और कोई भी किसी को कमी लगती है उस डाटा को गोल्डन करना है, किसी का मनोनाम गलत है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का कोई किसी कारण से कोई एड्रेस गलत है, कोई नाम नया जुड़ने से ना छूट गया हो, नए वैसे तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जुड़ रहे हैं, जिनकी डेथ रजिस्टर हो रही है उनको उसमें से निकाल रहे हैं, फिर भी ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, खास करके इनकम वेरिफिकेशन, तो इनकम वेरिफिकेशन अलग अलग सूत्रों से करेंगे, उसमें से ठीक थिंकिंग लोगों की भी हो जाएगी, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इनकम होती ज़्यादा है वो अड़के अड़ते हैं कि नहीं जी हमारी तो बहुत ही कम है, सरकारी लाभ लेने के लिए जिनका कोई रिकॉर्ड डाटा नहीं है। ये इनकम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, इनकम वेरिफिकेशन जो हमारे से पहले हुई हुई है, कोई भी अपनी नए उसके ऊपर दाना चाहता है कि मेरी इनकम पहले गलत लिखी हुई हो नहीं लिखवाएगा, ये जो वेरीफाई करने का काम इसलिए नहीं किए तो नया लिख के ले आएंगे, उसको फिर डिपार्टमेंट जिसको कहना चाहिए बैक ऑफिस में कि भी किनकी कितनी है और किन्होंने शिकायत की है उसको वेरीफिकेशन बाद में कराएंगे, अभी तो केवल इन्फॉर्मेशन लाएंगे, ये जो 6 डिपार्टमेंट हैं ये तो कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर है तो अपने लिख के ले आएंगे ताकि हम बैक ऑफिस में बैठ करके उनको मिलान कर सकें कि किसी की वास्तव में गलत तो नहीं है, क्योंकि इनको भी सबको वेरीफाई करके को ठीक करने का अधिकार नहीं दिया गया, केवल सूचना लाएंगे सर्वे करेंगे। इनकम तो मैंने बताया ना कि अगर गलत पाई जाएगी उसका कोई स्लैब अलग होगा तो फिर वेरीफाई कराने का काम क्रीड करेगा, वो ये इनकम वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन तो ले सकते हैं, एप्लीकेशन नहीं केवल दर्ज करके लाएंगे, दर्ज करके लाएंगे, जब सर्वे करेंगे कोई भी अपना बताता है कि हाँ इस परिवार की इनकम इतनी है, पहले कितनी है इनको नहीं बताया जाएगा, केवल कोई अगर खुद शिकायत करता है तो उसको लिख के आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये सारी चीज़ें बहुत एक सेंसिटिविटी है इसकी, और सेंसिटिविटी में हर आदमी को दौड़ाएं जाके वेरीफाई करके आओ, भाई जिसकी शिकायत है वही तो बताएगा, इसलिए किसी की बार बार वेरीफाई नहीं करनी, ये तो एक चलने वाला सतत प्रोसेस है। आज एक आदमी बेरोजगार है, उसके परिवार की इनकम मान लो 1.5 लाख रुपया है साल की, जैसे उसका रोजगार लगेगा वो अपने आप 4 लाख पर आ जाएगा, तो वो एक रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। ऐसे ही केंद्र सरकार ने बहुत से ऐसे कंप्लायंसेस, जिन कंप्लायंसेस का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता है और वो अननेसेसरी होती हैं, उनको जो हटाने का अभियान लिया तो 39,000 कंप्लायंसेस ये हटाई हैं,
3400 से अधिक जो कानून है, जिन कानूनी प्रावधानों के कारण से व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता था, ऐसे भी कुछ कानूनों को हटा करके, कुछ कानूनों को सम्मिलित करके और 3400 कानूनी प्रावधानों को उस अपराध घोषित करने वाली जो धाराएं थी वो खत्म कर दी, व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाए। कोविड के समय का जो उनकी सिक्योरिटी होती थी, जिसको उस समय काम ना करने के कारण से जब्त किया गया था, तो 6 महीने का हमने तो अपने यहाँ पहले ही उसको माफ कर दिया था, उसको लौटा दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने पूरे कोविड पीरियड के लिए जो भी जब्त हुई है उसको वापस करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं वो तो वापस करेंगे, ऐसा ही हम अपने प्रदेश में भी जब योजना बनानी होगी तो कोई जरूर बनाएंगे। एक बहुत ही प्रधानमंत्री जी की बड़ी एक जिसको कहना चाहिए फ्लैगशिप एक प्रोग्राम है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी माता, इस पृथ्वी माता के नाते से भी लोगों में एक धारणा भावना बनाई जाए और इसको जब दोहन की बजाय शोषण करते हैं, जब वो पानी का शोषण है, वो खनिज का शोषण है, वो फरस काटने की बात है, तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, एक नया कार्यक्रम ये चलेगा, इस पर भी जो योजनाएं आएंगी हम इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। चलाएंगे, निश्चित रूप से चलाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय, हालांकि हमने बहुत पहले किया है, अब मेरा पानी मेरी विरासत, ये उसी का एक हिस्सा है कि पानी को बचाओ। ऐसे ही वन लगाए जाए ज्यादा ज्यादा, हमने ऑक्सीवन की योजना चलाई, वो इसी का हिस्सा है, तो इस अभियान को जरा और तेज गति दी जाए। अगर केंद्र सरकार कोई चीज अपने हाथ में लेती है तो स्वाभाविक है प्रदेशों को उसमें सहयोग होता है, प्रदेश उस गति बढ़ाएंगे। विषय बहुत है लेकिन एक उसमें उल्लेखनीय है कि जो पैक्स हैं, 63,000 पैक्स, इनको कंप्यूटरीकृत करने के लिए भी जो योजना बनाई गई है उसका हम लाभ उठाएंगे। हम भी अपने सारे जो पैक्स हैं उन सबको और कंप्यूटर करेंगे, उसमें जो सहयोग केंद्र सरकार देगा उसको हम प्राप्त करेंगे। लघु सिंचाई के लिए भी 5,300 करोड़ रुपया रखा गया है, जिसमें जो भी ऐसा एरिया है जिसके अंदर पानी कम है, या तो वहां या जहां पानी डीप बहुत चला गया है, वहां लघु सिंचाई परियोजनाएं, उसके लिए केंद्र सरकार सहायता करेगी, उसका हम निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। बजट सेशन की मैंने बात बताई है, आज के मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर एक निर्णय ऐसा लिया गया है कि एक शहीद कौशल कुमार रावत, उनकी पत्नी श्रीमती ममता रावत, इनका केस बहुत कई वर्षों से, यानी मैंने स्वयं उसको प्रसू भी किया है, मेरे पास 2019 के बाद इनके पति की, जब उनकी जो पत्नी है शहीद की, वो पत्नी आई तो उन्होंने अपने पति के शहीद होने के बाद पैसा जो है वो उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। कारण ये कि वो जो व्यक्ति भर्ती हुए थे आर्मी में वो यूपी से थे और रहने वाले थे कहीं आगरा के, लेकिन उनकी भर्ती के बाद उनका जो परिवार यहाँ रहता था वो गुड़गांव में शिफ्ट कर गए थे और पिछले 23-24 साल से और वो गुड़गांव में रह रहे थे। अब चूंकि उनका एड्रेस मूल उत्तर प्रदेश का था, उनको राशि, उनको 25 लाख रुपए उनके खाते में आ गई, मिल गई, लेकिन जब नौकरी का विषय आया तो वहाँ शायद पॉलिसी नहीं है या उन्होंने मना किया, और हमें फिर जब अप्रोच किया गया तो केस ऐसा बन गया कि वो यूपी के हैं नागरिक या हरियाणा के हैं, अंततः हमने आज उनको एक्सग्रेशिया के आधार पर नौकरी जो है वो दी है। तो एक इस प्रकार का केस ग्रुप डी में, हाँ तो मैं खैर पढ़े लिखे हैं भी नहीं, क्योंकि ग्रुप डी की नौकरी की, तो उन्होंने आधिकारिक बताया भी, स्वाभाविक है हम शहीदों के पत्नियों को देते हैं। हाँ जी, पत्नी को, उनकी पत्नी श्रीमती ममता रावत। एक वैसे तो जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है, फिर भी आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा वो मैं आज कर रहा हूँ कि जो हमारा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो था उसका नाम बदलकर स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो ये कर दिया है।
ऐसे ही जो डिविजनल लेवल पर भी विजिलेंस ब्यूरो 6 बनाए गए हैं, उनका नाम भी डिविजनल एंटी करप्शन ब्यूरो ये रहेगा। विजिलेंस का अपने प्रकार का काम है, वो रहेगा, वो स्टेट जो CBOs हैं वो अपना करेंगे, डिपार्टमेंट वाले करेंगे, विजिलेंस विभाग भी रहेगा, लेकिन ये जो पुलिस के द्वारा जो विजिलेंस ब्यूरो बनाया गया है, जिसके चेयरमैन जिसके DG SS कपूर हैं, उसका नाम अब एंटी करप्शन ब्यूरो रहेगा। टेक्निकल नहीं, एक लोगों में उसका मैसेज भी जाना चाहिए, और दूसरा विजिलेंस नाम से हमारी सिविलियन साइड पर भी डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज बनी हुई हैं। कभी कभी पब्लिक में कन्फ्यूजन होता था कि डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज जो हैं वो करप्शन की शिकायतें वहाँ जाती थी लेकिन वहाँ दबदबा के रह जाती थी। जो भी कुछ है अब उसमें कमेंट मैं नहीं करता, मगर इतना ही है कि जो ब्यूरो का काम है वो एंटी करप्शन वाला ही मुख्य प्लैंक है उसका। विजिलेंस में तो एम्प्लॉय समय पर आए कि नहीं आए, वो अपने सीट पर है कि नहीं है, काम दिन में पूरा करते कि नहीं करते हैं, बीच में बिना बताए चले तो नहीं जाते हैं, या इस प्रकार के काम को विजिलेंस का मतलब निगरानी रखना। निगरानी अलग चीज है, करप्शन की जांच एक अलग चीज है, इसलिए उसको बाइफरकेट किया। हाँ, नोटिफिकेशन हो जाएगी। वो जब पूछते हैं तो वो लिख करके भेजते हैं गवर्नर साहब को। मैंने इतना ही बताया कि हमने उनको कहा है कि 2 भागों में होना चाहिए, पहले भाग में गवर्नर एड्रेस, उनका उनके धन्यवाद ज्ञापन और फिर बजट पेश करना, दूसरे भाग में उस बजट के ऊपर चर्चा करके और पास करना, बीच में जो कमेटियां बनी हुई हैं विधानसभा की, क्या बोलते हैं उन कमेटियों को, सेलेक्ट कमेटीज, उन कमेटीज को, क्योंकि पिछले साल भी कमेटियों ने काम किया था, इस बार भी उनको पर्याप्त समय देने का उनको बताया कि भी उनको एक पर्याप्त समय मिला दिया जाए, ताकि जो जो विभाग उनको दिए जाए बजट पेश होने के बाद उस बजट के हिसाब से उनके सुझाव क्या आते हैं, और उनका कुछ दायरा लिमिट्स होती हैं कि इस लिमिट में रह करके अपना सुझाव दे सकते हैं। बजट के आंकड़ों को बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन विद इन डिपार्टमेंटल बजट वो कुछ हेड्स होते हैं, उसमें चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं, उसमें एक जो लिमिट है उसके अंदर वो सोचेंगे, विचार करेंगे। और वैसे सुझाव हमने विधायकों से इस बार, पहले भी सांसदों से, विधायकों से लिखित सुझाव ये मांगे हैं। कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी मीटिंग्स वो चालू कर दी हैं। अभी 2 दिन पहले गुरुग्राम में हम इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे हमने एक मीटिंग करके पूछा है, और एक अभी सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीटिंग करेंगे। अलग अलग कुछ स्टेक होल्डर्स जैसे रहते हैं, किसान कृषि के नाते से, या फिर अन्य जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से, जो अलग अलग विषय हैं, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, ये सारी मीटिंग जो है करके हम उनसे सबसे मुझे मालूम नहीं है, आपको मालूम हो तो आप मुझे मालूम नहीं है, आपको मालूम है तो आपने मुझे जानकारी दी है, मैं भी ज्यादा चेक कर लूंगा है कि नहीं। तो मोटे रूप से तो ये सब विषय जितने मैंने आपको बताए हैं यही सब एक विषय वो है मेरे हाथ पर रखा हुआ। एक जो आज हमने कैबिनेट में एक विषय और भी निर्णय किया है, जो टेंडर्स होते हैं विभिन्न विभागों के और विभिन्न राशि के हिसाब से उसके ग्रुप्स बनाए हैं, टेंडर की एक्सेप्टेंस कहाँ हो, कौन करेगा और किस राशि तक किसको अधिकार होगा, क्योंकि टेंडर जो भी होता है वो एस्टिमेट कॉस्ट जो होती है उसके आधार पर टेंडर लगाया जाता है, बाद में उस एस्टिमेट के हिसाब से जरूरी नहीं है कि उतने का ही आए, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम आता है तो उसके ज़्यादा समस्या नहीं होती, क्योंकि एस्टिमेट से मानो 2-5% कम आया है तो हो सकता है कोई कंपटीशन में कम किया उन्होंने, ज़्यादा आता है तो चिंता होती है। तो ज़्यादा आने में भी हमने उसके 4 अलग अलग लेवल रखे हैं, एक अप टू 5%, और दूसरा 5-10%, तीसरा 10 से ऊपर, 3 ही हैं 10 से ऊपर। तो अलग अलग अधिकारियों को
उसका हमने लिमिट रख दिया कि 5% ज्यादा आएगा तो कौन अधिकारी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, 10% ज्यादा आता तो इसका निर्णय जो है और ऊपर का अधिकारी करेगा, और 10 से और ऊपर आता तो फिर और ऊपर, और उसमें भी वैल्यू के हिसाब से, यानी 25 लाख के टेंडर हैं वो एक लेवल का अधिकारी करेगा, 25 से 1 करोड़ तक है दूसरा करेगा, 1 करोड़ से 3 करोड़ है तो तीसरा करेगा, 3 करोड़ से 5 करोड़ अलग है, 5 से 10 करोड़ अलग है, और 10 से ऊपर अलग है। 10 करोड़ से ऊपर का, और उसमें भी अगर 10% से ऊपर है वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री की चेयरमैनशिप में कमेटी बनेगी, वो देखेंगे। यानी अगर 1 करोड़ रुपया बढ़ा दिया किसी ने 10 करोड़ से ऊपर, 11 कर दिया, तो ये सीधा मुख्यमंत्री की कमेटी में ही आएगा। वैसे अलग अलग कमेटियां बनाई हैं, कहीं SDO लेवल के ऊपर है, कहीं एक्शन लेवल पर है, कहीं कुछ मिनिस्टर लेवल पर भी हमने बनाई है, ताकि उस बढ़ने का कारण पता लगे। अभी तक क्या है कि बहुत अनाप शनाप रेट भर करके और वहीं लोकल लेवल पर अपना उसको सैंक्शन कर देते हैं, और उसका बाद में शिकायतें आती रहती हैं कि तो 30% ज़्यादा पर टेंडर चला गया, 40% ज़्यादा पर चला गया। तो हमारा उसमें जो एस्टिमेट बनाने वाले लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा सा सख्ती करेंगे कि एस्टिमेट ठीक बने, वरना कई बार वो कहते हैं एस्टिमेट तो ऐसे ही है, ठीक है कितने परसेंट पर आएगा वो तो जाना ही है, और पहले एस्टिमेट कम दिखाया और बाद में बढ़ाते रहे। दूसरा उसमें होता है अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट में एस्केलेशन क्लॉज तो होता है कि ये कारण से अनाउंसमेंट होता तो पास करेंगे, मानो रेट बढ़ गया अचानक तो वो एस्केलेशन क्लॉज में आता है, लेकिन उसके बिना ही अनाउंसमेंट हो गया, क्या कह के कि हमने स्कोप वर्क बढ़ा दिया, या अनाउंसमेंट क्लॉज में कोई शर्त होती नहीं है, रेट बढ़ गए। तो ये कहीं का हमने जो कैबिनेट का एजेंडा बनाया इसका कोई आधार तो कोई डिपार्टमेंट लिया होगा ना वहां पर, ये गड़बड़ी फीस टाइप की तक हम जाते हैं, सभी विभागों के लिए बनाया गया है, कहीं से सूचना तो आई होगी ना कि वहां पर बहुत सी चीजें हैं। पिछले कुछ सालों में 10% से ज्यादा की जो अनाउंसमेंट की गई और वो नीचे अपने पास भी की है, तो ऐसे लगभग 300 केस ऐसे, तो उन 300 केसेस को हमने सारा रिव्यू कराया है। उस रिव्यू कराने के बाद अधिकारियों को, यानी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को कहा है इसका अध्ययन करें, जहां जेन्युइन के तौर पर अगर मानो बढ़ा है तो ठीक है उसको पास करें, उनको लगता है कि जेन्युइन नहीं हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं नीचे से गड़बड़ा उद्वासी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जहाँ चल रही है सर, सेक्रेटरीज कर रहे हैं सर, सब वो 300 अलग अलग विभागों के, अभी सब विभागों के ही हैं, नाम लेना कोई आफत थोड़ी होता है। मैं क्या कहता हूँ, वो तो जिसका काम ज्यादा होगा उसमें ज्यादा मिलेगा, जिसका काम कम होगा उसमें कम मिलेंगे। अभी तो पत्र लिखा है, 3 दिन पहले लिखा है, और उनको 10 दिन का टाइम दिया है, और 10 दिन में आएंगे और 2-4 दिन बाद में भी आएंगे, वो कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई वो काम नहीं है कि भी बिल्कुल लॉ के अंडर है वो, तो जब तक बजट बनता नहीं है तब तक अच्छा सुझाव कहीं से भी आएगा, लेकिन एक इतना समय जरूर चाहिए कि उनके सुझाव के बाद इतना समय उसको एडजस्ट करने के लिए मिल जाए। मान लो हमारा बजट किसी तारीख को फाइनल होना है और उसके बाद सुझाव आए तो उसका आना ना आना बेकार है, इसलिए जितना जल्दी आएंगे। वो समय भी कहा, अभी पत्र लिख दिया। देखिए इसमें सुझाव देने का विषय तो एक ऑप्शनल ये वो कार्यक्रम है, वरना तो डिपार्टमेंट अपने आप बना के बजट पेश भी कर दे और विधानसभा में जिन्हें जो कहना कह देंगे। हम तो चाहते हैं ज़्यादा ज़्यादा लोगों की कंसल्टेशन हो, उन कंसल्टेशन में अच्छी बातें भी आती हैं, विपक्ष के लोगों को भी हम कहते हैं। हमने विधायकों की पिछले रेड विषम में 3 साल पहले मीटिंग की थी और अच्छे सुझाव आए, उसको हमने किया भी है, उसको एडजस्ट भी किया उन चीज़ों को। अगर अल्टीमेटली प्रदेश में अच्छा काम क्या हो सकता है ये किसी का भी सुझाव आ सकता है, और मेरा तो आपसे भी कहना ही है कि आप भी फील्ड में घूमते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, अच्छे सुझाव दे देंगे तो उसको हम जरूर कहीं ना कहीं उचित लगेगा। तो बजट आया है हरियाणा के बजट में, क्या उम्मीद की जा सकती है, और 23 और 24 का जो बजट है किस क्षेत्र पर ज्यादा फोकस रहेगा? अभी ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। पक्ष पक्ष और विपक्ष उसमें एक लाइन होती है,
वो लाइन से इधर कौन है, लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, उसी हिसाब से बोलना होता है। बोल रहे हैं नहीं नहीं व्हाइट पेपर वो जारी कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है, वो बताएं क्या गलत है क्या ठीक है। हमने सब कुछ पारदर्शी ढंग से रखा हुआ है, और जो पारदर्शी ढंग से रखा जाता है उस समय जो बात विपक्ष बताए जो बात पक्ष बताए बताना तो जनता को होता है, आपके माध्यम से बताते हैं, जनता उसको ठीक मानेगी गलत मानेगी निर्णय उन्होंने करना है। हमने सारी चीजें पारदर्शी ढंग से सामने रखी हैं, और हम आज भी कहते हैं कि हमारा जो राजकीय घाटा है राजकोषीय घाटा वो विद इन अवर लिमिट्स है, बहुत प्रदेशों ने लिमिटें तोड़ी हैं। हम आज भी जो 3% है वो 3% के नीचे क्या कहते हैं राजकोषीय घाटा, और जो 25% जो होता है वो सर हमारी टोटल बोरोइंग कितनी हो सकती है किसी भी समय टोटल वो जीडीपी की टोटल बोरोइंग, तो जीडीपी की टोटल बोरोइंग हमारी आज भी 25% से ज्यादा नहीं है, और ये दो स्टैंडर्ड्स हैं। अगर मान लो हम अपनी जीडीपी को बढ़ाते हैं और उसके कारण से कर्ज बढ़ाते हैं तो हमारा अधिकार है, हम उसको ले सकते हैं, और हम नहीं लेंगे उसको छोड़ देंगे तो लोग हमें कहेंगे कि आप ठीक से विकास नहीं कर रहे हो, वो आलोचना भी फिर यही करेंगे कि आप तो इसमें 5,000 करोड़ रुपए और भी लेके लगा सकते थे क्यों नहीं लगाया। हाँ सीएजी की रिपोर्ट में जो आता है हम लोगों को उसका अध्ययन करना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है। एक डिप्टी सीएम ने पिछले दिनों ये कहा था कि अटल पेंशन स्कीम को लेकर मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, बहुत बड़ी बात है, 4% का फर्क है, तो आपसे कुछ चर्चा हुई उसको लेकर, कर्मचारी संगठन आंदोलन कर रहे हैं किस चीज में? अटल पेंशन स्कीम जो है कोई बड़ी बात नहीं, 4% का फर्क है। देखिए सीएम साहब से इसकी चर्चा करूंगा, वैसे मेरी बात हो भी गई। देखिए अभी मेरे पास एक कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप आया है, और उस व्हाट्सएप में ये लिखा था, अब एक अधिकारी है केंद्र के, नाम बोल रहा हूँ, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा, और ये बिना पार्लियामेंट के अब इसको कोई लागू कर नहीं सकता। इवन अब राजस्थान ने भी इस विषय को वापस ले लिया कि हम नहीं कर सकते, तो जो घोषणा तो एक पॉलिटिकल घोषणा होती है पॉलिटिकल। और मैं कहता हूँ आपको एक 2006 का स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी का ये सुनना चाहिए पार्लियामेंट का, ये मनमोहन सिंह जी ने उस समय ये विषय चलाया था, उनको एक इकोनॉमिस्ट तो अच्छा मानते हैं ना, प्रधानमंत्री जैसे थे सो थे लेकिन इकोनॉमिस्ट अच्छे थे वो, तो उस नाते से उनकी स्टेटमेंट है कि हमको आगे बढ़ते हुए सारे सिस्टम में जितने लोगों को हमने एम्प्लॉय बनाना है, जितने लोगों को कर्मचारी बनना है, और उसके नाते से वो एक दबाव बढ़ता है, और उसके हिसाब से जो पेंशन और जो सैलरी बढ़ती है और सैलरी के साथ पेंशन बढ़ती है, उस पेंशन के कारण से आगे चल करके हम सारे काम रोक करके इसी चक्कर में रह जाएंगे। मेरी बात हुई है उनसे, और उसमें मैंने आगे भी बात एचपीसी के चेयरमैन से भी की है, तो उनका ये मानना था कि क्योंकि पेपर सेट हमारे एचपीसी के लोग नहीं करते ना, स्टाफ सिलेक्शन करता, पेपर सेटर जो है वही करता है, उनको एक बताया जाता है सिलेबस बताया जाता है, उस सिलेबस में उन्होंने जो किया है पेपर सेट उसमें वो कठिनाई उसकी ज़्यादा थी, ऐसा उन्होंने भी माना है। हाँ इन्होंने जो स्वयं लिख किया है वो ये किया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में जो पॉजिटिव हो जो ठीक होगा उसका 1 मार्क फुल मिलेगा, और जो मानो गलत होगा रॉन्ग आंसर होगा उसका नेगेटिव मार्किंग में 0.25% किया है, तो उस 0.25% नेगेटिव के कारण से लोग तो ये ना तुक्का मार के सब भर दो शायद ठीक हो जाए शायद ठीक हो जाए, तो वो पहली बार इन्होंने किया उसके कारण से कुछ बच्चों के मार्क्स कम हो गए, अगर नेगेटिव मार्किंग ना होती तो लगभग 1,000 बच्चे पास होते, और वो नेगेटिव मार्क के कारण से बहुत बड़ी संख्या में सारे 50 से नीचे आ गए, कट ऑफ 50 था, तो जिसके कारण से पास ही 50-60 ही हुए जितने भी मुझे एग्जैक्ट करे, तो इतने ही पास हुए हैं। लेकिन मैंने उनको कहा कि बहुत जल्दी दोबारा से रिक्वेशन डिपार्टमेंट देगा, डिपार्टमेंट में बात हो गई है उनका जी, नेक्स्ट वीक हम दोबारा से इसकी रिक्वेशन देंगे, और रिक्वेशन देते ही बहुत जल्दी पहला एग्जाम वही लेंगे, और उसमें कुछ सुधार करने की बात यही है कि एग्जामिनर्स को कहेंगे कि डिफिकल्ट लेवल जितना ऊँचा पहले था वो नहीं रखना चाहिए, और थोड़ा उनके भी अलग अलग लेवल होते हैं, नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो नेगेटिव मार्क होने चाहिए,
नेगेटिव मार्किंग तुक्केबाजी को रोकने के लिए होना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस पता लगता है व्यक्ति का कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, गलत नहीं डालू मैं, वरना जो ठीक है वो तो भरी दिए, जो गलत है टिक 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 सब करा है। जो कहा था एक विषय था नेगेटिव मार्किंग का, था कहना था कि जो मिनिमम लेवल है वो 50% जनरल का है और 40% आरक्षित श्रेणी का है, कि इसको कम किया जाए। देखिए दोनों बातें हैं, अगर उसका डिफिकल्ट लेवल थोड़ा सा अगर डाउन कर देंगे, ये पेपर सेट को एक लेवल बताना पड़ता है, इस डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा और कम कर दें ताकि पेपर थोड़ा आसान हो जाए। अल्टीमेटली तो कंपैरेटिव होता है, ये कंपैरेटिव में अच्छा बच्चा कौन सा है, कमजोर कौन सा है, अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अगर कम करेंगे तो 50 वाले से ऊपर आ जाएंगे लोग, तो 50 वाली सर पर रहेगी और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसमें कोई इतनी बड़ी संख्या में किसी हिसाब से ये भी सोचना है कि जैसे अलग अलग विश्वविद्यालय से डिग्रियां हैं, तो इस मामले की भी जांच एचपीएससी से आप कहेंगे करें कि इतना रिजल्ट आया सिर्फ नेगेटिव मार्किंग ही वजह से और कोई वजह भी नहीं? नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होती तो बता नहीं 1000 पास हो रहे हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो 1000 और पास होते। कल कृषि मंत्री का बयान छपा था कि जो एजीओ के पेपर हुए थे इसमें और मेरिट नीचे लेके आएंगे, वो तो गलत बयान था मुझे लगता है। नहीं नहीं सुझाव हो सकता है उनका, सुझाव दे दें, फैसले करते हैं उनका कि नीचे ले जाएंगे। नहीं ये फैसला तो एचपीएससी, वो भी एचपीएससी से अगर कोई बात करनी भी होगी तो चीफ सेक्रेटरी उनके वो होते हैं कंसर्न्ड सेक्रेटरी, उनसे हाँ उनसे बात करके वो फैसले वहाँ होते हैं, हम पॉलिटिकल लेवल पर फैसले नहीं करते। पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, संवैधानिक संस्था है, उससे आपको नहीं लगता कि वजीहत हो रही है संस्था होगी? चलिए वो हमने जितना कहना था कह दिया है। देखिए कुछ लोगों ने अपने काम कराने शुरू कर दिए हैं 2 लाख रुपए से नीचे के, तो तकरीबन 650 काम वो यानी लोगों ने अपने प्रस्ताव पारित कर दिए हैं, और 25 लाख तक के भी ज़्यादा नहीं तो कम से कम 12-15 तो ऐसे मेरे पास ही जानकारी आई थी 2 दिन पहले, अब और भी हो गए होंगे, लेकिन वो लोगों ने जिन्होंने काम शुरू करना था कर दिया है, और जब काम शुरू हो जाएंगे तो बाकी अपने आप देखेंगे। टाइमली काम शुरू हो जाए हमारा उस हेतु यही है। अब चूँकि एक फेज़ ऐसा है, इस फेज़ में एकदम किसी को खिलाफ कोई सख्त बात करना या नरम करना, नियम हमारा जो है पारदर्शी तरीके से ई टेंडरिंग पर काम हो इसको हमने लागू किया, लागू रहेगा। धन्यवाद। तो सीएम मनोहर लाल को आपने सुना, आम बजट के बाद देश के बजट के बाद सीएम की आज ही प्रेस वार्ता, शुरुआत बजट को लेकर ही की गई, केंद्र के बजट को लेकर सीएम बात कर रहे थे, हरियाणा को क्या मिलने वाला है, किस तरह से सभी सेक्टर्स का ध्यान रखा गया कि सीएम की ओर से बताया गया। तो बजट सत्र को लेकर, हरियाणा के बजट सत्र को लेकर भी सीएम बात कर रहे थे, 2 चरणों में चलने वाला है। तो दूसरे हिस्से में बजट पर चर्चा होगी। इसके अलावा शुरुआत में सीएम ने आम बजट का जिक्र किया, हरियाणा की स्थिति दूसरे राज्यों से बेहतर है, वित्तीय संकट दूसरे राज्यों में है, ये भी सीएम की ओर से कहा गया। गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, निःशुल्क 1 साल और राशन अन्न दिया जाएगा, प्रति व्यक्ति आय जहां राष्ट्रीय स्तर पर 8 साल में 2 गुनी हो गई है, 1.9 लाख है प्रति व्यक्ति। तो हरियाणा की बात करें तो दूसरे राज्यों के मुकाबले भी और केंद्र की ओर से जो आंकड़ा दिया गया है उससे भी अधिक 2,75,000 प्रति व्यक्ति आय सालाना हरियाणा में आएंगे। किसानों के लिए भी सीएम बात कर रहे थे कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हम काम कर रहे हैं, किसानों के खातों में 63,000 करोड़ रुपए, करीब 10 लाख किसान परिवारों के खातों में भेजे गए हैं। अब किसानों की प्राकृतिक खेती करने के लिए मदद की जाएगी, उन्हें संसाधन दिए जाएंगे, यूनिटी मॉल का फायदा हरियाणा भी लेने वाला है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हुई थी, हरियाणा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। इसके अलावा भी कई जो नई पहल की गई है बजट में उनका जिक्र करते हैं सीएम नजर आए। वित्तीय घाटा हरियाणा का कम हुआ कि इस बार भी 3% के आसपास ही रहेगा, पिछली बार 2.9 था और उसी के करीब इस बार रहने वाला कि ये भी सीएम की ओर से कहा गया।